गुड मॉर्निंग दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, दिल्ली फ्रेश मार्केट में आप सभी का स्वागत है। 14 तारीख दिन बुधवार, आजादपुर मंडी। दोस्तों आज मैं मौजूद हूँ आजादपुर मंडी में। यहाँ का टमाटर का भाव जानेंगे, आवक जानेंगे, ग्राहक की कैसा रहा। लाइव तस्वीर में देख सकते हो आप ग्राहक इस समय जो है किस प्रकार का है टमाटर मंडी के अंदर। बाकी सारा जानकारी ले लेंगे आरती साहब से। और दोस्तों आप सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना जिस भी मंडी से टमाटर ले रहे हो वहाँ पे क्या भाव चल रहा है और किस हिसाब से खरीद रहे हो, कुंटल के हिसाब से खरीद रहे हो या क्रेट के हिसाब से खरीद रहे हो, और उधर का मौसम कैसा है, ये सारा जानकारी एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे देना आप सभी। और दोस्तों वैसे दिल्ली के किसी भी मंडी से आप टमाटर लेते हैं तो क्रेट में 25 किलो भर्ती आता है, वैसे 26-27 किलो तक पहुँच जाता है, लेकिन जो माना जाता है जो एक्यूरेट भर्ती होता है वो 25 किलो तक होता है। बाकी सारा जानकारी आरती साहब से ले लेंगे, किस प्रकार का बाज़ार रहा, कैसा ग्राहक रहा, और रेट में जो है यहाँ पे कल के मुकाबले क्या उतार चढ़ाव रहा। सर जी थोड़ा आवक के बारे में बता दो, आज आवक कितना रहा? जी जी जी, देखिए आज मंडी के अंदर आवक टोटल मार्केट के अंदर 23 गाड़ी की आवक है, जिसके अंदर से मात्र 3 गाड़ी देसी है, बाकी ये समझ के चलिए जितना भी है वो सब हाईब्रिड है। हाईब्रिड के अंदर शोलापुर नासिक ये टमाटर ज़्यादा एंटर हुआ हुआ है आज की रेट में। और पीछे औरंगाबाद के अंदर बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से आज मार्केट में सिर्फ 3 ही गाड़ी देसी आई हुई है, जिसमें 2 गाड़ी औरंगाबाद है और 1 गाड़ी बेंगलोर है। आप देखिए अपने दर्शकों को दिखाइए, ये देखिए देखिए अपना औरंगाबाद की गाड़ी है। टमाटर की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि पीछे बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा। जी जी, आप दिखाइए अपने दर्शकों को, ये देखिए कच्चा पक्का टमाटर है। जी 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 जी, ये बहुत करारा टमाटर आ रहा है। तो जी अभी देखिए इस टाइम पे बारिश के कारण जो है ना कलरफुल टमाटर बहुत कम है। अगर कलरफुल टमाटर होगा तो टमाटर की ये समझ के चलिए आप कम से कम 200 रुपये नक फालतू बिकेगा। अगर करारा टमाटर है तो ये 200 रुपये मंदा है। आज की रेट में ये टमाटर 650-650 रुपए की रेंज का बिक रहा है। औरंगाबाद का टमाटर इस टाइम पे सबसे लो क्वालिटी औरंगाबाद की है क्योंकि पीछे बारिश बहुत हो रही है। तो उधर जो है औरंगाबाद में सर कितना परसेंट माल अभी डैमेज देखने को मिला बरसात के? 70% डैमेज हो चुका है इस टाइम पे औरंगाबाद का टमाटर। आ जाइए इधर आ जाइए। जी 70% डैमेज हो चुका है। आप अपना मोबाइल के ऊपर अगर डाल के देखेंगे तो उसमें दिखाएगा औरंगाबाद के अंदर डेली लगातार 100% बारिश डेली हो रही है। कल की रेट में भी इतनी बारिश हुई है कि किसानों ने मेरे को वीडियो डाली है तो जैसे नदी बह रही होती है उस हिसाब से पानी वहां पर बह चुका है। जी हमारे भी कई सारे व्यूअर से पूछ रहे थे जो कौन-कौन से एरिया में बारिश हो रहा है वहां पे। जी जी, और किस तरह का माहौल देखने को मिलेगा आगे चल करके टमाटर में? आगे देखिए टमाटर मुझे जो लग रहा है कि फिलहाल 15-20 दिन बिल्कुल भी मार्केट के अंदर मंदे की कोई संभावना नहीं है। बाजार में करंट रहेगा, पूरा करंट रहेगा क्योंकि पीछे बारिशों ने शोलापुर का भी टमाटर खराब कर दिया है, औरंगाबाद भी खराब कर दिया है, बेंगलोर का टमाटर भी काफ़ी हद तक खराब हुआ है। तो पॉसिबिलिटी यही लगाई जा रही है कि बाजार जो सा है काफ़ी तेज रहने की संभावना है आने वाले पूरे 20-25 दिन। अच्छा। जी एक व्यूअर का कमेंट था सर जो आने वाले एक महीने बाद जी माहौल क्या देखने को मिलेगा टमाटर में? देखिए एक महीने बाद वैसे तो देखिए टमाटर है आपको सब चीज़ का पता है कि आने वाले एक महीने का कोई अनुमान नहीं लगा सकता। एक पॉसिबिलिटी लगाई जा रही है कि बाई चांस अगर कुदरत की मार नहीं पड़ती है तो एक महीने बाद नॉर्मल स्टेज आ जाएगी 500 से 600 रुपए की रेंज की, 400 से 600, क्योंकि शिवपुरी के अंदर टमाटर काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में लगा है। और 20-25 दिन बाद मार्केट के अंदर रतलाम का टमाटर आपको देखने को मिलेगा, जैसे शिमले का टमाटर देखने को मिलेगा। जैसे ही ये सारे टमाटर मार्केट में एंटर होंगे आप देखिए मार्केट के अंदर थोड़ा सा गिरावट चालू हो जाएगी, पर वो फिलहाल 20 दिन का भी टाइम पीरियड है उसके अंदर। अच्छा सर, जैसे कि अभी औरंगाबाद जी डैमेज होने के कगार पे है जी बरसात के कारण, जी जी जी, और बेंगलोर के भी कई सारे एरिया जो है इफेक्ट काफी इफेक्टेड हो चुके हैं। तो सर आप जैसे बोले शिवपुरी और भी कई एरिया जी 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 जी, तो वो टमाटर आएगा और ये डैमेज जो है जी कवर कर देगा सर? देखिए अभी फिलहाल नहीं कवर कर पाएगा ना, क्योंकि अभी उन टमाटर को आने में 20 से 25 दिन की देरी है। तो ये 20-25 दिन मार्केट में टमाटर काफ़ी शॉर्ट रहेगा ही रहेगा, जैसे ही 20-25 दिन दूसरे टमाटर आएंगे ऑटोमेटिक वो उनकी पूर्ति करते चले जाएंगे। जी अभी जो है सर वो टमाटर जैसे
नासिक से भी आता है, नासिक से भी आ रहा है, शोलापुर से भी आ रहा है जी। जी टमाटर उसका क्या रेट चला जी? देखिए उस टमाटर की आज की रेट है समझ के चलिए 750 से लेकर 850 रुपए तक जी। जैसे आप सबसे बढ़िया टमाटर जो इस टाइम पे मार्केट में आ रहा है वो आ रहा है नारायण गाँव का, नारायण गाँव का टमाटर आज की रेट में 850 रुपए का अच्छी क्वालिटी बिकी है। बाकी जो पीपल गाँव के टमाटर है वो 800 रुपए, थोड़ी सी ज्यादा लो क्वालिटी जो कच्चा टमाटर है, कच्चे टमाटर की मार्केट के अंदर डिमांड बहुत कम है, जो कच्चा टमाटर है वो आज 750 रुपए की रेंज का है। बाकी 80-90% टमाटर 750 से अपना 800 रुपए से लेकर 850 रुपए बिक रहे हैं टमाटर। जो एक्सपोर्ट क्वालिटी है जो मार्केट के अंदर बंगला क्वालिटी आती है नासिक की, वो क्वालिटी बिक रही है 900 रुपए की जी। बाजार में 100 रुपए नक्की तेजी है, कल के कंपैरिजन आज मार्केट में 100 रुपए नक्की बाजार में तेजी है जी। और सर जी अपना जो बेंगलोर से टमाटर आता है उसका क्या भाव देखने को मिला और किस किस राज्य से अभी आ रहा? देखिए बेंगलोर से सिर्फ मार्केट में एक ही गाड़ी आई है, वो भी अच्छी क्वालिटी की नहीं पहुंच पाई है। इस टाइम से बेंगलोर से टमाटर अगर कोई भी भरता है उसको बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर उठाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर टमाटर बहुत तेज है। अगर बाई चांस यहां पर आते आते 100-150 क्रेटें भी हल्की बढ़ जाती है तो वो 400-500 रुपए क्रेट मंदी बिकती है। तो आज मार्केट के अंदर आप जाएंगे आगे तो सर्वे करेंगे तो देखेंगे कि मार्केट के अंदर एक गाड़ी बेंगलोर आई भी है और वो बहुत काफ़ी कम रेट में बिक रही है और उसके अंदर कम से कम 2-3 लाख रुपए का गाड़ी के अंदर घाटा होगा। इसीलिए बेंगलोर के किसानों को हम यही राय देंगे कि अभी दिल्ली के लिए टमाटर ना भरे, यहाँ के लिए भरेंगे तो काफ़ी नुकसान होने की संभावना है। बेंगलोर के 90% एरिया इफेक्टेड पड़ चुके हैं, चाहे वो कोलार है, चाहे अनंतापुर है, चाहे चिंतामण है, चाहे मदनपल्ली है, मलकाचूर है, इन सारी जगह पे टोटली बहुत ज़्यादा बारिश रही है जिससे काफ़ी इफेक्ट पड़ गया टमाटर के ऊपर। अच्छा जी, तो अभी जो है नया फसल जो बेंगलोर का चलता है सर वो उसमें कितना? देखिए अभी नए फसल को चालू होने के अंदर वहाँ पर भी 15-20 दिन की देरी है, पर वो लोग कह रहे हैं कि जिस हिसाब से किसानों से बात हो रही है वो ये कह रहे हैं कि अभी हमारा जितनी भी प्रोडक्शन 15-20 दिन में निकलेगी हमारी वो लोकल ही खपत कर पाएगी, क्योंकि बारिश से आसपास का एरिया काफ़ी ख़राब हो गया तो वो यहाँ पर दिल्ली तक आने की चांस उसके बहुत कम है जी। और सर जी हिमाचल का आज आया, हिमाचल आज मार्केट में कोई नहीं है, पर हिमाचल सुनने में आ रहा है कि 10 दिन में थोड़ा सा ज़्यादा आना चालू हो जाएगा जी। सर जी एक बार जो है अपना आरत नंबर और मोबाइल जी, मोबाइल नंबर है मेरा 9811107840, विनय नाम है मेरा। आप मेरा बोर्ड दिखा सकते हैं अपने दर्शकों को, अशोक कुमार सुभाष चंद्र के नाम से है, अशोक कुमार सुभाष चंद्र के नाम से जी। सर तो ये नंबर चालू है सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल चालू है जी जी। धन्यवाद सर। ओके सर। दोस्तों किसी भी किसान भाई को टमाटर बेचना हो या कोई भी जानकारी चाहिए हो तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, और किसी को भी थोक में खरीदना हो वो भी संपर्क कर सकते हैं जी। दोस्तों भाई साहब के पास जो है हाइब्रिड टमाटर लगा हुआ है जी, इनके पास जो है जानकारी ले लेंगे। इसके अलावा जो है देसी टमाटर भी है या फिर केवल इनके पास हाइब्रिड टमाटर है, और क्या भाव बिका और किस राज्य का है? हाँ जी नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। सर जी अपने पास जो है केवल हाइब्रिड टमाटर है या इसके अलावा देसी भी? आज हाइब्रिड ही है, देसी वहाँ बरसात बहुत हो रही है इसलिए देसी नहीं था आज। अच्छा जी। आज देसी मंडी के अंदर ना के बराबर है। अच्छा जी। हाइब्रिड है, हाइब्रिड आज मंडी के अंदर। तो आज पोजीशन कैसा रहा जी? पोजीशन किस राज्य का है हाइब्रिड? ये है नारायण गांव का, महाराष्ट्र। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या पोजीशन है सर आज? ये पोजीशन बिक रहा है, हल्के माल बिक रहे हैं 650-700-700 और बढ़िया माल है वो जो 900 रुपए बिक रहे हैं। 900 के बीच। अच्छा, कल से 50-60 रुपए तेज है। अच्छा जी, और भर्ती कितना आता है सर क्रेटों में? भर्ती 26 किलो। सर जी जैसे कि अभी औरंगाबाद और भी कई सारे राज्य में साउथ के एरिया में बारिश हो रहा है, तो ये जिस एरिया से अभी हाइब्रिड टमाटर आ रहा है उधर भी पीछे बरसात देखने को मिल रही है? ये बरसात की वजह से तो तेज हुआ टमाटर, नहीं तो तेज नहीं होता। अच्छा, टमाटर काफ़ी था, बरसातों ने खराब कर दिया इसलिए तेजी आई है। जैसे सर देसी अभी टमाटर नहीं आ पा रहे बरसात के कारण, कच्चा पक्का टमाटर आ रहा है तो उसे हाइब्रिड का ज़्यादा आ रहा है गाड़ी? हाँ हाइब्रिड की ज़्यादा है, कल देसी है। अच्छा, कल देसी की होगी 10-15 गाड़ियाँ। अच्छा जी। हाँ जी। तो सर हाइब्रिड में बरसात से कुछ इफेक्ट पड़ा है जी? बरसात से तो फर्क पड़ता ही है, कलर में जो कलर आता है वो कलर नहीं आ रहा है, बरसात ने फीका कर दिया कलर को। अच्छा जी, मतलब इससे भी बढ़िया कलर आना चाहिए था? बिल्कुल, इससे बढ़िया आएगा, अगर बरसात नहीं होगी तो इससे बढ़िया आएगा, नहीं तो दागी पहुँच रहा है टमाटर। अच्छा जी। बढ़िया बढ़िया टमाटर है, वो भी दागी है, जितना मर्जी बढ़िया ले लो भी दागी मिल रहा है बरसात की वजह से है। सर एक छोटा सा जानकारी आपसे और चाहूँगा,
जैसे कि इस समय अभी 800-900 रेंज में चल रहा है टमाटर, आने वाले दिन में 10-15 दिन में कैसा बाजार देखने को मिलेगा? इतना नहीं चलेगा, कम चलेगा। अच्छा जी, हाँ, बरसातों ने अगर कोई इलाका खराब नहीं किया तो टमाटर डाउन रहेगा, अगर खराब हो गया तो फिर तेजी होएगा अपने आप ही। अच्छा जी, हाँ जी, हाँ जी। एक बार सर जी अपना आरत नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर बता दो। हमारा मित कुमार देवेंद्र कुमार एंड कंपनी D3076, मोबाइल नंबर है हमारा 9968453833। धन्यवाद, धन्यवाद। और दोस्तों, यदि आप सभी भाइयों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर देना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।